फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के बेसिक पिलर्स होते हैं कि आपको ये पता हो कि इस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ऑल्सो आर वेल विद द सिलेबस एंड प्रीवियसली इस एग्जाम का ट्रेंड कैसा रहा है ये चीज अगर आपको पता है तो इजीली यू कैन क्रैक दैट एग्जाम है ना तो इसी तरीके से जे आई बी एग्जाम में भी है आई आई बी एफ क्योंकि काफी ट्रेंड रिपीट करता है यू शुड हैव ए वेरी क्लियर आइडिया आने वाला जो एग्जाम हमारा अक्टूबर साइकिल का है जे के लिए इन दट कि आपको ये स्ट्रेटर्जी को बहुत अच्छे से यूज करना है फॉर योर प्रिपरेशन ठीक है एग्जाम के लिए कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन करके ही बहुत सारे हमारे जो है क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाते हैं सो इन दिस सेविंग लुक की कैसे आप ये जो रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन यूज दैट इन योर प्रिपरेशन ठीक है तो बिफोर मूविंग अहेड इफ फॉर द जे आई आई बी एग्जाम आई वुड जस्ट लाइक टू रिमाइंड यू कि थोड़ा गाइडेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ यू आर हैविंग लेस टाइम इन योर हैंड ठीक है हैज कम अप विद दिस मास्टर कोर्स जहां पर चारों के चारों जो कॉम्पोनेट्स है जे आई बी एग्जाम के ऑल ऑफ इन चीजों से रिलेटेड चारों ही चारोंपोनेंट से रिलेटेड आपको शॉर्ट वीडियोस शॉर्ट नोट्स एलॉन्ग विथ चैप्टर वाइज क्विज फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं सो दैट यू कैन प्रिपेयर रियली वेल फॉर द एग्जाम इस मास्टर uh, कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ट जल्दी से जल्दी हमें ये करना है क्योंकि अभी इन कोर्सेज पे जे आई बी सेवेंटी फाइव का कोड लग रहा है जिससे सेवेंटी फाइव परसेंट का डिस्काउंट आपको इन कोर्सेज पे मिल रहा है सो प्लीज हरी ऐप ओके सो स्ट्रैटेजीज इन जनरल क्या होते हैं किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन uh, के लिए एंड आल्सो इफ यू आर एमिंग कि हमें ये एग्जाम क्लियर करना है राइट right? तो सबसे पहली चीज तो यू शुड हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं एग्जाम में ठीक है ये तो पहली चीज है दूसरा कौन से ऐसे टॉपिक्स है फ्रॉम वेयर द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन आर बींग आस्ट यानी कि हाई वेटेज किन टॉपिक्स का है ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आई एंड आई एफ एस का अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ देर इज वन चैप्टर मनी मार्केट तो उसमें कुछ टॉपिक्स हैं

रिपीटेड क्वेश्चन क्या है एग्जाम में इनको आपको मिस आउट नहीं करना चाहिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा रहा हूँ बट इफ यू आर एबल टू फाइंड द द ऑफ प्रीवियस पेपर्स ठीक है प्रीवियस एग्जाम्स जो हो चुके हैं लाइक थ्री में 2023 में एग्जाम हुआ अक्टूबर में हुआ है नाउ जून में ठीक है तो इनके मेमोरी बेस्ड पेपर्स आपको अगर मिल जा रहे हैं वी हैव प्रोवाइडेड इट ऑन आर वेबसाइट के वेबसाइट डॉट को डॉट इन पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं तो इफ यू आर गेटिंग होल्ड ऑफ दीज क्वेश्चन पेपर्स देन डेफिनेटली आपको देखना चाहिए कि रिपीटेड क्या है सो लेट मी टेल यू मैंने आपका काम थोड़ा सा आसान कर दिया है कुछ रिपीटेड क्वेश्चन में आपके सामने लेकर आ गया हूँ राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी आई एंड आई एफ एस में किस तरीके से आप देखिए मे टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री एंड जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में मॉड्यूल ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं सिमिलर सिमिलर क्या लगभग uh, uh, क्वेश्चन यहाँ पर है सनराइज सेक्टर रिलेटेड क्वेश्चनो कम इन द जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर सिमिलरली मॉड्यूल ए से आप देखेंगे यहां पर क्वेश्चन आया है विद रेस्पेक्ट टू क्वीनरी सेक्टर

एंड यहाँ आप देख सकते हो डायरेक्ट डायरेक्टली बोरोइंग फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर डोमेस्टिक बजेटरी रिसोर्स पूछा हुआ ठीक है सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन नॉट सेम बट सिमिलर ठीक है देन टू थाउजेंड अक्टूबर में सिडबी रिलेटेड इनिशिएटिव्स के बारे में पूछा गया था विच इज उद्यमी मित्र पोर्टल

क्वेश्चन पूछा गया कमोडिटी प्राइसेस आर रेस्ट एंड द पीपल टेंड टू बाय लेस ऑफ इट ठीक है तो इसको क्या कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड सिमिलर थिंग हैज आस्क्ड हैज बीन आस्क्ड हियर इन जून 2024 प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज रेस्ट बायर्स टेंड टू बाय लेस ऑफ द कमोडिटी दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड ठीक है सेम ठीक है अगेन यू कैन सी फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल क्वेश्चन आता ही आता है वन ऑफ द फेजेस से

ओके सेम रिसेशन रिलेटेड पर सिमिलरली यू कैन सी कि बैंक रेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023 अक्टूबर में डिस्काउंट रेट क्या होता है ये पूछा हुआ है डिस्काउंट रेट मीन द बैंक रेट ओनली ठीक है बैंक रेट ही होता है ओके नौ अक्टूबर 2023 में प्राइमरी डेफिसिट पूछा गया है जून में अगेन प्राइमरी डेब से पूछा गया तो ऑलमोस्ट काफी टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं एंड रेस्ट एश्योर्ड के आगे जो एग्जाम होने वाला अक्टूबर में अगेन फ्यू टॉपिक्स विल रिपीट आई से सब कुछ बट फ्यू टॉपिक्स तो रिपीट होंगे बैंक रिलेटेड मॉड्यूल में क्वेश्चन तो हियर अगेन यू कैन सी थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया इसे बैंक ऑफ इंडिया से 1960 में एक ने ज्वाइन किया 1975 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया तो अगेन नेशनलाइजेशन से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है ठीक है जून में पूछा हुआ उजेंड 2023 थ्री पे क्या है, company, 2024 में, ये पूछा हुआ है कुछ स्टेटमेंट देकेशन है यू कैन सी देर इज रिपीटेशन ये कोई जो है रॉकेट साइंस नहीं है बहुत आराम से आपको समझ में आ रहा है स्टेटमेंट रिलेटेड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप ठीक है अक्टूबर में एंड जून में पूछा हुआ सेम क्वेश्चन देन वी हैव दिस स्टेटमेंट दिस थिंग रिलेटेड टू द नोटिस मनी जो मॉड्यूल डी में है मॉड्यूल डी में तो बहुत सारे हैं इतने सारे हैं कि ऑल द क्वेश्चन देखते तो हमारा टाइम uh, निकल जाएगा बट या यू कैन डू दट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं दोनों पेपर्स को कंपेयर करके क्या कॉमन सेम क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है प्लीज डू इट प्लीज डू इट यू विल थैंक मी एग्जाम में अगर आपको जो है ये नहीं लगा कि अरे भाई ये एक्सरसाइज तो बहुत बढ़िया रहा तो फिर uh, आप जो है ये पर्टिकुलर थिंग को यू शुड डेफिनेटली डू विद एनी एग्जाम दिस वर्क्स नोटिस मनी थाउजेंड पर 2024 का अगेन नोटिस मनी रिलेटेड क्वेश्चन ठीक है सिमिलरली यहाँ पर ट्रेजरी बिल का टेनोर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है एंड यू कैन सी द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज इन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर अक्टूबर में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर अगेन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रिलेटेड जून में क्वेश्चन

वो पूछे गए हैं अगेन जून में पार्टी एजेंट के फंक्शन पूछे गए हैं राइट सो दीज आर विथ आई एंड सिर्फ एक सब्जेक्ट के साथ नहीं है uh, so, में, में रिलेटेड यहाँ पर आपको जो है सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ठीक है अगेन जून में एंड अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सिमिलरली यू कैन सी की ट्रस्टी रिलेटेड बैंक विल एक्ट ट्रस्टी उससे रिलेटेड अक्टूबर में क्वेश्चन एंड पर आपको थोड़ा सा जो है ट्विस्ट करके ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है है रिलेशनशिप रिलेटेड पर आपको पूछ लिया गया बेनिफिशियरी एंड ट्रस्टी रिलेटेड यहाँ पर डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन जून में आया है अगेन यू कैन सी मॉड्यूल बी में अक्टूबर में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रिलेटेड स्टेटमेंट्स थे एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रिलेटेड स्टेटमेंट जून में भी हैं मॉड्यूल सी में 2023 का अगर हम देखें तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन था जून में भी चेक ट्रंकेशन सिस्टम रिलेटेड क्वेश्चन देन मॉड्यूल सी में ही स्मॉल प्रीपेड पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन स्मॉल प्रीपेड पेमेंट से रिलेटेड अगेन वन मोर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इन जून सिमिलरली यू हैव दिस क्वेश्चन ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ सर्विस इससे रिलेटेड एंड जून में भी उससे रिलेटेड एक आपको जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मॉड्यूल डी पीपीबी में यू कैन सी अक्टूबर में आपको जो है सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आता ही आता है सत्यम केस स्टडी रिलेटेड अगेन जून में क्वेश्चन आया है

पर्सनल अकाउंट नॉट अ टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है सिमिलर टाइप ऑफ थिंग पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगेन यू हैव सीन इन अक्टूबर 2023 मॉड्यूल बी में अगर हम देखें तो uh, यहाँ आपको पूछा गया है कि एन ऑपरेटिंग साइकिल इज ए टाइम बिटवीन ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है ठीक है स्ट्रेट फॉरवर्ड सेम क्वेश्चन देन मॉड्यूल बी में ही यू विल सी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है एक्टिविटीज विजल्ट इन दिन ऑफ कैश फॉर एन एंटरप्राइज ठीक है सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शन आपके हैं कमर्शियल पेपर रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही आता है हर बार एंड अक्टूबर एंड जून में यू कैन सी मॉड्यूल सी में से क्वेश्चन पूछे गए हैं मॉड्यूल सी में अगेन अक्टूबर में यू केन सी क्वेश्चन रिलेटेड टू पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म रिलेटेड जून में क्वेश्चन आया है अः मॉड्यूल डी में से सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट पूछा हुआ है सिमिलरली सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट यहाँ पर भी पूछा हुआ है जून एज वेल एस अक्टूबर में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगेन यहाँ पर पूछा हुआ है तो अक्टूबर एज वेल एज जून में मेनी अ टाइम जो है आपके नंबर्स भी रिपीट कर देते हैं आरबीडब्ल्यू में भी ऑपरेटिंग रिस्क रिलेटेड यहाँ पर जो है क्वेश्चन है यहाँ पर भी यू कैन सी लॉस ड्यू टू प्रोसेसिंग फेलियर अगर हो रहा है तो वो कहां पर आ रहा है तो ऑपरेशनल उपरेट, उपरेट, रिस्क में आपका ये आ रहा है ठीक है मॉड्यूल सी का अगर हम देखें भीम ऐप रिलेटेड क्वेश्चन हैज बीन भीम रिलेटेड क्वेश्चन जून में भी आया है सेम वे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम रिलेटेड क्वेश्चन एंड यहाँ पर सीआरएम रिलेटेड जून में क्वेश्चन पूछा गया है

यूट्यूब चैनल है -E उनका मोस्टली एक ही कहना है कि पर्टिकुलर सोर्स को आपको अच्छे से फॉलो करना चाहिए अच्छे से थरोली उसको पढ़ना है इट कैन भी बुक इट कैन भी एनी कोर्स और एनी थिंग फॉलो दैट प्रॉपरली ठीक है ट्रस्ट इशूज uh, मत रखिये प्लीज फॉलो इट

Please drop your mail here, 8146207241, हमारा नंबर है है ठीक तो अच्छे से रिवाइज करना भी जरूरी है बिकॉज वैसा एग्जाम नहीं रह गया कि एक हफ्ते में पढ़े और हो गया एटलीस्ट आई एंड आई एफ एस ये थोड़े डायनामिक हो गए हैं पेपर्स एंड एवरी ईयर वन और अदर पेपर को डिफिकल्ट कर देता है आई आई बी एफ तो यू शुड बी केयरफुल रिवाइज सारे कॉन्सेप्ट आपको कर लेने हैं इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स पे आपके कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए लाइक इफ यू रिकॉल आई एंड आई एफ एस में आपके इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हो जाते हैं डी एंड आई वुड से ए एंड बी पढ़ लीजिए अगर पीपीबी uh, बात करें तो ए एंड बी आर द इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स देन ए एफ एम की बात करें तो ए बी आपको पढ़ने हैं एंड आरबीडब्ल्यू एम के हम बात करें तो योर मॉड्यूल बी एंड डी आर द इम्पोर्टेंट वंस तो ये लिस्ट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए इन पे खास ध्यान देना है

डिस्क्रिप्शन वहां पर जाकर आप उन कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट कीप योर कॉन्फिडेंस हाई थैंक यू